हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ड्रीम। यूपीएससी ड्रीम पे मैं चौधरी कृष्ण कुमार आज 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आज वोटिंग होनी है। तो इसके लिए यूपीएससी ड्रीम की ओर से मैं आपसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। मतदान प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, अतः आप मतदान केंद्र पर मतदान करने ज़रूर जाएँ। चुनाव आयोग द्वारा मतदान करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, अतः आप मतदान करने जरूर जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहले एक दिवस मनाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भारतीय सेना के इतिहास में और भारतीय संविधान के इतिहास में, जिसे कहा जाता है झंडा दिवस। झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है और भारतीय राष्ट्र ध्वज का अपने को सम्मान करना है। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं एक साथ, ताकि आपका समय बचे और जल्दी से जल्दी इनका रिविज़न अपन कर सकें। अतलावीन देबेबे ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2018 को जीता, वे किस देश से हैं? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। अतलावीन देबेबे ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2018 को जीता, वे किस देश से हैं? तो वे हैं इथियोपिया से। पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी को बैलन डी ओर 2018 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं लुक्का मोद्रिक। कमेंट करके आप ये बताइए, लुक्का मोद्रिक किस देश के खिलाड़ी हैं। सर्वप्रथम पूर्वोत्तर के किस राज्य में 112 आपातकालीन नंबर लॉन्च किया गया? तो यह है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यूरियो हैं। ठीक है, कमेंट करके आप ये बताइए, सर्वप्रथम किस राज्य में 112 आपातकालीन नंबर लॉन्च किया गया? ISSF की जज समिति में शामिल किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं पवन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को। ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी सोनम वांगचुक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर आपको कभी इनके बारे में जानने का मौका मिले तो एक बार इनके बारे में जानना जरूर। मैं आपको कहता हूँ कि जो व्यक्ति आज के दिन अपनी लाइफ सेट करने में लगा हुआ है, एक बार उनके बारे में ज़रूर पढ़े। सोनम वांगचुक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और ये अभियंता हैं, इंजीनियर। ठीक है, इन्होंने NIT श्रीनगर से इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद ये सामाजिक कार्यों में लग गए थे। 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला है, सोनम वांगचुक को, और इनके साथ में भरत वातवानी को भी दिया गया है। देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबिल का उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किस नदी पर करेंगे? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। कमेंट करके आप ये बताइए, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनके बारे में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पिछली बार हुआ था ऐसा कि एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक बार नहीं, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको वाकया देखने को मिल रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर हो रहा है? तो ये है 199 सीट। रामगढ़ अलवर की एक सीट है जहाँ पर बसपा के प्रत्याशी का निधन हो गया, इस वजह से 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार में चूरू में हुआ था ऐसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपको आने वाले 5 साल तक फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, भाप चलित प्रथम जहाज कौन सा था जो भारत पहुंचा था? एंटरप्राइजेज जिसका नाम था, और 7 दिसंबर 1825 को ये भारत पहुंचा था कलकत्ता में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये था मेरी ओर से आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और फिर से आपसे अपील करता हूँ कि चुनाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।